अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। इंग्लैंड की जानिब से यूरोपी लोगों के लिए अच्छा कानून क्या जारी हुआ है और मज़ीद जिन यूरोपी लोगों के केसेस को रिजेक्ट किया जा रहा है तो उसकी वजह यानी कि चंद अहम गलतियां आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और मज़ीद अब कौन से यूरोपी लोगों के लिए अच्छा होने जा रहा है। तो हमेशा की तरह रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। तो इस न्यूज़ की तफसीलात के मुताबिक ऐसे फैमिली मेंबर जो कि पहले इंग्लैंड में विजिट वीज़े पे आते थे और वो फैमिली परमिट को अप्लाई नहीं कर सकते थे तो अब वो आसानी से अप्लाई कर सकेंगे क्योंकि उनके लिए नया कानून बना दिया गया है जो विज़िट करने वालों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन ये वाजिया रहे कि जो आपके दस्तावेजात हैं तो वो नहायत ही ज़रूरी होते हैं क्योंकि जो फैमिली मेंबर आप पे डिपेंड करते हैं तो उनके दस्तावेजात इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आपको इस हवाले से ये शो करना पड़ता है कि आया वो आप पे डिपेंड करते हैं और अगर वो आप पे डिपेंड करते हैं तो आपका जो प्रोसेस होता है तो वो तेज़ होता है और अगर डिपेंड नहीं करते हैं तो फिर आपका प्रोसेस तखीर का शिकार भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। और मज़ीद इसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके केसेस गलती के बाइस रिजेक्ट हो रही हैं और चंद गलतियां ये हैं कि जिन्होंने दस्तावेजात जमा करवाए हैं तो उनका मसला यानी कि किसी के पासपोर्ट पे नाम कुछ और है और बाकी दस्तावेजात पे नाम तब्दील है और इसी तरह तारीख पैदाइश का मसला आ रहा है। तो ये चंद वो गलतियाँ हैं जिसकी बेस पे काफ़ी लोगों को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपना दस्तावेजात को अपील के दौरान से ही तरह से जमा करवाएं। और मज़ीद दूसरी जानी वो फैमिली मेंबर जिन्होंने 31 दिसंबर 2020 से 31 जून 2021 के दौरान जिन भी लोगों ने अप्लाई किया तो अब उनकी फ़ाइल को भी चेक किया जाएगा। तो अब जैसा कि जो इनके कवानीन हैं तो अब उन्होंने इन पर अमल करते हुए तमाम तर मामलात को देखना है क्योंकि इससे पहले भी यूरोपी लोगों को काफ़ी आसानियाँ और रियायत दी जा चुकी है जैसा कि टाइम को बढ़ाया गया और इजाज़त वगैरह दी गई है जिसके बाद अब इनका कहना है कि तमाम तर कानून को मद्देनज़र रखते हुए अब सब मामलात को देखा जाएगा। अब ऐसे फैमिली मेंबर जो कि पहले इंग्लैंड में विजिट वीज़े पे आते थे और वो फैमिली परमिट को अप्लाई नहीं कर पाते थे अब उनके लिए 6 अक्टूबर से ये नया कानून लागू कर दिया जाएगा, अब वो भी फैमिली परमिट को अप्लाई कर सकेंगे। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अपडेट में, तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।